रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर ए एंड बी, देखो दो वायर हम लोगों को दिए हैं और दोनों वायर का जो रेजिस्टेंस है 20 डिग्री सेल्सियस पर, रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वायर ए ये हम लोगों को दिया है 3 ओम एंड रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वायर बी ये हम लोगों को दिया है बच्चों 4 ओम। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है जरा समझिए, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल, वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर इन दोनों का रेजिस्टेंस आपस में इक्वल होगा बच्चों। अब आप ये देखो 20 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम और यहां बात हो रही है वायर ए की, यहां 20 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है 4 ओम और यहां एक अलग वायर की बात हो रही है बच्चों और वो अलग वायर है अपने पास में बी। अब देखो हम प्रॉब्लम को बनाएंगे कैसे, मैंने ये माना स्टूडेंट ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि टी डिग्री सेल्सियस पर वायर ए का जो रेजिस्टेंस है और टी डिग्री सेल्सियस पर वायर बी का जो रेजिस्टेंस है वो इतना है। उसने कहा ना कि कितना टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएं, भाई हमने माना कि 20 से बढ़ाकर टेम्परेचर हमने टी कर दिया है, जब हमने टेम्परेचर को 20 से बढ़ाकर टी कर दिया है तो प्रॉब्लम की लैंग्वेज के मुताबिक दोनों का रेजिस्टेंस आपस में बराबर हो गया है बच्चों, दोनों का रेजिस्टेंस हो गया है आपस में बराबर। अब देखिए हम प्रॉब्लम को लगाएंगे कैसे, देखिए हमने टेम्परेचर को 20 से बढ़ाकर टी कर दिया है, यहां 20 से बढ़ाकर टी किया, ये वायर ए ये वायर बी दोनों का रेजिस्टेंस आपस में बराबर है तो हम इसे कैसे लिखेंगे ये आप लोगों को समझना है। आर टी ऑफ ए को हम लोग लिखेंगे आर 20 ऑफ ए 1 प्लस अल्फा 4 ए वायर और टी में से 20 को माइनस करेंगे। देखो बच्चों ये फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया है ए वाले वायर के लिए, 20 डिग्री सेल्सियस पर इतना रेजिस्टेंस था, टी डिग्री सेल्सियस पर इतना है, फॉर्मूला जो होता है वो हम लोगों ने यहां अप्लाई किया, आर 20 ए 1 प्लस अल्फा ऑफ मटेरियल ए और यहां हमने टी में से 20 को माइनस कर दिया। सिमिलरली इधर मैं रखूंगा इसे आर टी बी को मैं लिखूंगा आर 20 ऑफ बी 1 प्लस अल्फा बी और यहां आएगा टी माइनस के 20 ब्रैकेट क्लोज। ये सिचुएशन हमारे पास में बच्चों बनेगी, मतलब आर टी ए को हम लोगों ने ये लिखा, आर टी बी को हम लोगों ने ये लिखा। मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूं कि फॉर्मूले को अप्लाई करना कैसे है और ये जो दोनों को मैंने बराबर रखा है ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बराबर रखा है। अब आप देखो बच्चों हम इसे करते हैं सॉल्व, आर 20 ए की जो वैल्यू है यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आर 20 ए की जो वैल्यू है वो है 3 1 प्लस अल्फा, अल्फा ए की वैल्यू है मेरे पास में ये 6 × 10 की पावर माइनस के 3, ये हो जाएगा टी माइनस के 20 ब्रैकेट क्लोज। यहां हम लोग लिखेंगे 4 आर 20 बी 4 1 प्लस 2 × 10 की पावर माइनस के 3 और यहां आएगा टी माइनस के 20। देखो मैंने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है बच्चों, जो भी वैल्यू मैं यहां से बना सकता था वो वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी है। अब हम कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो ये बनेगा 3 प्लस 18 × 10 की पावर माइनस के 3 टी माइनस 20 इज इक्वल टू 4 प्लस 8 × 10 की पावर माइनस 3 टी माइनस के 20। कैलकुलेशन कर रहे हैं बेसिक, ठीक है 3 को ले जाते हैं उधर, इसे लेकर आ जाते हैं इधर, 18 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 10 × 10 की पावर माइनस 3 टी माइनस के 20 इज इक्वल टू 1। अब आप देखो बच्चों ये 10 से ये पावर खत्म, 10 की पावर माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 को इक्वल टू से उधर लेकर जाएंगे तो ये बनेगा टी माइनस के 20 इज इक्वल टू 100, सो टी इज इक्वल टू 120 डिग्री सेल्सियस। लो भैया टेम्परेचर की जो वैल्यू मेरे पास में यहाँ निकल कर आई है ना स्टूडेंट, वो निकल कर आई है 120 डिग्री सेल्सियस।